हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आपको टूर कराने वाला हूँ IIT दिल्ली का जो बेस्ट हॉस्टल है सप्तागिरी। जो सप्तागिरी है उसके सामने चायोस और राजधानी। मैं आपको सबसे पहले चायोस और राजधानी दिखा देता हूँ और फिर हम सीधे चलते हैं हॉस्टल के अंदर। सारी चीज़ देखने वाले हैं आज, क्या क्या इस हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ें मैं आपको पहले चायोस दिखाता हूँ। और ये राजधानी है जो सप्तागिरी है, उसका बाहर का व्यू बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा व्यू। यहाँ पर काफ़ी हरा भरा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और प्रॉपर लाइट्स लगा रखी है इन्होंने, रात को बहुत सुंदर लगता है। ये देखो कितना हरा भरा है और चमक रहा है। और ये जो सामने की बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये है द्रोणागिरी। और जो इसकी साइड में है बिल्डिंग है, ये है सप्तागिरी। तो ये दोनों हॉस्टल IIT के, सप्तागिरी और द्रोणागिरी। सप्तागिरी एक कोल्ड हॉस्टल है, जो द्रोणागिरी है वो लड़कों के लिए ही है। और सप्तागिरी में लड़कियां भी रहती हैं, लड़के भी रहते हैं। तो मैं सप्तागिरी में रहता हूँ और ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो IIT के बेस्ट हॉस्टल है। इनमें AC फैसिलिटीज़ वगैरह है। मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा, रूम कैसे बने हुए। तो आइए चलते हैं अंदर। ये रिसेप्शन है पीछे जो मैंने आपको दिखाई, और आपको स्टडी रूम दिखा देता हूँ। स्टडी रूम पूरा सेंट्रलाइज हॉस्टल है ये, लिफ्ट्स लगी हुई है प्रॉपर। और ये वाली बिल्ली बहुत ही फेमस है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत शरारती बिल्ली है और इसने मेरे को काटा भी हुआ एक बार। अच्छा, कभी कभी काट भी लेती गुस्से में। मैं एक बार इसको भगा दिया था, इसने काट भी लिया था। ये हमारे दोस्त से बहुत ही सुंदर रिसेप्शन बनाया हुआ है। और ये हमारे हाउस सेक्रेटरी जो नए बने हैं, पहले नेहा लावत थी, ये दुष्यंत सोनी है। और इवेंट्स की जो फोटोज़ है यहाँ पे लगती रहती है सारी। जिम खुला हुआ है, जिम है, जिम की चाबी दे दोगे? हाँ, कर रहे हैं। तो ये सीटिंग स्पेस है। और जो वार्डन है हमारी मैम, वो है परोमा सन्याल, जो HSS डिपार्टमेंट की है। कोई सामान वगैरह आता है तो उसको यहाँ पे रख देते हैं हम, कुरियर वगैरह जो भी आता है पार्सल। एक स्पेशल और न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़ रैक है न्यूज़पेपर्स के लिए। कुछ बच्चों का पर्सनल न्यूज़पेपर आता है, वो अलग से रखा हुआ है। और ये मेन हमारा एरिया है जहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, इसको बोलते हैं हम OAT, ओपन एयर थिएटर, जो खुली जगह है जहाँ पे स्क्रीनिंग आती है, जहाँ पे बड़ी ज़्यादा ऑडियंस आ सकती है, तो उसको बोलते हैं हम OAT। और ये है हमारा OAT, यहाँ पे स्क्रीन रखी जाती है, तो काफ़ी सारी ऑडियंस यहाँ पे बैठ सकती है, जिसकी वजह से ये बहुत सुंदर रहता है। ये यहाँ पे छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई है ग्राउंड में, तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है इसका, स्पेशली रात में चमकता है बिल्कुल जब लाइट्स चल जाती है। मैंने आपको स्टडी रूम दिखाया और यहाँ पे साइड में ही लाइट्स लगी है, लाइट भी देख सकते हो आप साइड में जो लैंप्स लगे हुए हैं। ये पीछे का एरिया, यहाँ पे AC प्लांट्स है, तो थोड़े टाइम हुए थे चलते हुए, अब AC भी चल रहा है, मतलब हॉस्टल में बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही थी पहले। और आगे मैस है, सामने मैस है, जो बच्चे जा रहे हैं मैस में। लेकिन मैस से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जिम। और जिम भी अभी बना है, नया हॉस्टल है तो नए हॉस्टल में थोड़ी टाइम लगता है सारी चीज़ें बनने में। और यहाँ पर है बैडमिंटन कोर्ट, तो बैडमिंटन कोर्ट है। लेकिन यहाँ पे इस कोर्ट में एक प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा इन्होंने रेस्ट प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है, जिसमें खेलने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम हैं इस साइड नहीं खेलते, हम दूसरी साइड खेलते हैं। वहाँ पे प्रॉपर मार्किंग भी है और जो ग्राउंड है वो भी रेस्ट नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सबसे पहले हम जिम चलते हैं। और जिम और यहाँ से बिल्कुल सामने है स्पोर्ट्स रूम एरिया। स्पोर्ट्स रूम में जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर पूल वगैरह की टेबल रखी हुई है, तो टेबल वगैरह रखी हुई है। लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जिम की चाबी ली है। तो मैं सबसे पहले आपको जिम दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिर से लिफ्ट्स है,
इस हॉस्टल में तीन जहाँ पे लिफ्ट दी गई है, एक यहाँ पर, एक इससे आगे और एक जहाँ से मैं अभी आया हूँ। और वॉशरूम्स भी काफ़ी दिए गए हैं, हर फ्लोर पे तीन वॉशरूम दिए हुए हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल जाती है हॉस्टल में। और हम पहुँच चुके हैं जिम में, मैं आपको दिखा देता हूँ जिम कैसा है। और यह है, दिस इज़ जिम रूम। और चाबी हमेशा लेनी पड़ती है, चाबी लेने के लिए हमेशा अपना कार्ड जमा करना पड़ता है, अपना आईडी कार्ड, और एंट्री करनी पड़ती है। तो लाइट्स ऑफ है, मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ, फिर आपको प्रॉपर जिम दिखाता हूँ। मैं जिम भी आता हूँ ऐसे, और तो लाइट्स ऑन कर दिए, फैन भी चल पड़े हैं। और ये सारे इक्विपमेंट्स वीवा फिटनेस वालों के हैं। पहले मैं आपको दूर से दिखाता हूँ सारी चीज़ें। यह है जिम, जिम के अंदर सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप ये डंबल्स देख सकते हो, और फिर आपको क्रंचेस करने हैं, और चेस्ट के लिए एक्सरसाइज, और साइकिलिंग करनी है, और फिर ट्रेडमिल है हमारे पास, एक ही ट्रेडमिल है इसके अंदर, और साइकिलिंग दो है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये वाले यूज़ करता हूँ। और ये सारी मशीन्स है, और तो सारी मशीन्स हैं, और जो सारे रॉड्स हैं उसको रखने के लिए एक स्पेशल चीज़ दी हुई है, वो ये है। और ये अलग अलग बड़ी मुश्किल से इसको असेंबल किया गया है, और काफ़ी मेहनत लगी है इसको असेंबल करने में, सारे इक्विपमेंट्स अलग अलग थे, तो उन लोगों के भी हम काफ़ी थैंकफुल हैं जिन्होंने इसको असेंबल किया है। और ये फिर से लेग्स के लिए है, यहाँ पर लेट कर इसको ऊपर उठाते हैं, तो वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और यहाँ पर ये ऊपर अपर शोल्डर के लिए है, तो सारी ही चीज़ें हैं लगभग। एक अच्छा जिम है, फैसिलिटीज़ काफ़ी है। फिर से यहाँ पे डक्स दी हुई है एसी वाली। और तो अब जिम को बंद करके मैं आपको मेस दिखाता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, और मैं लॉक लगा के चाबी देनी पड़ेगी वापस। चाबी नहीं दूंगा तो मेरा कार्ड नहीं मिल पाएगा, मुझे कार्ड लेना है पहले, तो मैं कार्ड लेने के लिए इसको दे के आता हूँ चाबी को। और अभी 5 बज रहे हैं, तो जो लड़कियों का टाइम है जिम का वो 5 से 6 होता है, एक जो पर्टिकुलर स्लॉट बुक्ड है गर्ल्स के लिए वो 5 से 6 हैं, बाकी जो टाइम है वो कॉमन है सभी के लिए, उसमें लड़के भी आ सकते हैं, लड़कियाँ भी आ सकते हैं। तो IIT दिल्ली का सिर्फ यही एक हॉस्टल है जो कोएड है, बाकी सब हॉस्टल्स डिवाइडेड है। और ये सारी चीज़ें दिखाई दी मैंने आपको, अभी मैस आके दिखाता हूँ फटाफट से। सामने मैस है, लेकिन मैस में भी काफ़ी भीड़ है, मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहता हूँ सारी चीज़ें मैस में क्या क्या है। मैस में ऑप्शन अपने आप से बनाने वाला भी है कि आप खुद कुक कर सकते हैं कुछ चीज़ें। और तो मैं से पहले मैं आपको स्पोर्ट्स रूम दिखा देता हूँ। स्पोर्ट्स रूम के लिए फिर से खोलने के लिए चाबी लेनी पड़ेगी, और फिर से आईडी कार्ड देना पड़ेगा, तो जल्दी से स्पोर्ट्स रूम चलते हैं। तो स्पोर्ट्स रूम में जा ही रहे हैं, लेकिन आपको ये दिखा देता हूँ कि 2 मैसेज है, एक ऊपर है एक नीचे है, क्योंकि आप देखोगे ये सप्तगिरी जिसमें मैं खड़ा हूँ वो द्रोणागिरी है जो मैंने बताया आपको। जो ऊपर वाली मैस है वो सप्तगिरी वालों के लिए, जो नीचे है द्रोणागिरी के लिए है। तो बाहर से आप देख सकते हो ऐसी ये दोनों मैस है जहाँ पे शीशे लगे हुए। अभी जो ऊपर की मैस है सप्तगिरी वाली वो बंद है, तो नीचे ही हम खाना खाते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो मैस में जल्दी से लौट के आता हूँ, बहुत ही सुंदर मैस बनाई हुई है। उससे पहले मैं आपको स्पोर्ट्स रूम दिखा देता हूँ, स्पोर्ट्स रूम में क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर बीच में मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने ये लगाया हुआ है जो होता है गीज़र, तो यहाँ से गर्म पानी, हम इस टैप में से गर्म पानी निकलता है अगर किसी को गर्म पानी पीना है, और ये कोल्ड के लिए। तो ये जो फैसिलिटी है गर्म पानी और ठंडे पानी वाली, ठंडे पानी वाली तो सारे फ्लोर्स पे अवेलेबल है, लेकिन जो गर्म पानी वाली फैसिलिटी है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही है। और ये है हमारा सामने केयर टेकर ऑफिस, जहाँ पे केयर टेकर ऑफिस बैठती है, कोई प्रॉब्लम है तो हम केयर टेकर के पास आ सकते हैं,
और कंप्लेंट्स वगैरह लिखा सकते हैं। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज है, ये सर्वर रूम्स है जहाँ से सारी चीज़ें चलती है, तो इसको रूम को स्पेशली ठंडा रखना पड़ता है। और जो इस रूम के ऊपर रूम है वहाँ पे काफ़ी चिल रहता है क्योंकि इन रूम्स को स्पेशली ठंडा रखा जाता है। और काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरास है। और आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ स्पोर्ट्स रूम से पहले, मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ड्री सिस्टम। यहाँ पे लॉन्ड्री सिस्टम बहुत ही प्यारा है, जो हायर कंपनी है उसकी स्मार्ट लॉन्ड्री है यहाँ पे। और काफ़ी सारी मशीन से आप देखोगे यहाँ पर, तो ये है ड्रायर, अगर हमें ड्राई करने हैं कपड़े तो ये ड्रायर है। बाकी जो मशीन से वो कितनी है, एक दो तीन, तीन हायर की मशीन हो गई और चार हायर की मशीन है टोटल, जिसमें अगर हम कपड़े धुलते हैं तो हमें 30 रुपये लगते हैं, 29 रुपीज़, 40 मिनट में कपड़े धुल जाते हैं और सूख भी जाते हैं ऑलमोस्ट। और बाकी जो दो मशीन्स है वो LG की है, ये दोनों मशीन्स बिल्कुल फ्री है, इनमें अलग अलग ऑप्शंस है जिसके हिसाब से हम इनको सेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना टाइम लेगी कपड़े धुलने में। तो स्पोर्ट्स रूम खोलते हैं, तो स्पोर्ट्स रूम में आ चुके हैं। और ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं है, मतलब गेम्स फैसिलिटी, लेकिन फिर भी काफ़ी है। यहाँ पे हमारे पास बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स में बॉल्स वगैरह, फिर से रिसेप्शन पे जाना पड़ता है अगर हमें इशू करनी है स्टिक वगैरह के लिए। और यहाँ पे हमारी TT टेबल है, मैं TT भी खेलता हूँ। और यहाँ पे हमारी सेकेंड TT टेबल है, फिर हमारा कैरम बोर्ड भी है, हमारे पास कैरम बोर्ड है जिसको कमी बच्चे खेलते हैं, कैरम बोर्ड को कमी बच्चे खेलते हैं। और फिर हमारे पास है फूसबॉल, तो आपने काफ़ी ये देखा होगा फूसबॉल का जो गेम है, दिस इज़ फूसबॉल। तो ये छोटा सा रूम है और काफ़ी अच्छा है, लेकिन जैसे किसी को TT खेलना है वो TT खेल सकता है, बैडमिंटन के लिए बाहर है, और बास्केटबॉल खेलना है फिर IT का कैंपस ही वहाँ पे जो बने हुए हैं सारी चीज़ें, और बिलियर्ड्स है तो इतना काफ़ी होता है। और लेकिन आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी जब स्टार्टिंग में बना रहा, लेकिन अब धीरे धीरे जो क्रेज़ है वो ख़त्म हो जाता है, और क्रेज़ ख़त्म हो गया तो इतने लोग नहीं आते अब खेलने। तो फिर से वही लिफ्ट, और हर लिफ्ट की साइड में स्टेयर केसेस है। और बैडमिंटन कोर्ट में आपको दिखाई चुका हूँ, नाइट्स के लिए लाइट्स लगी हुई है प्रॉपर, और केयर टेकर ऑफिस दिखा दिया है, CCTV कैमरेज वगैरह हर जगह पे, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए कभी आग लगती है, और ऊपर सिस्टम है अगर फायर होती है स्मोक डिटेक्शन सिस्टम तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं, और काफ़ी बार वो अलार्म्स चेक होते हैं प्रॉपरली, रेगुलरली चेक किए जाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना है। और अभी आगे चाबी रिटर्न करके फिर चलते हैं हम मेस की तरफ। तो फाइनली मेस के बाहर आ चुके हैं, और मेस के बाहर हमेशा रहते हैं भैया मौजूद, क्योंकि बिना मेस कार्ड के किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है। और हमारे पास प्रॉपर एक मेस कार्ड इश्यूड है, अभी मेरे पास है नहीं शायद, और अगर हम एंट्री करनी होती है तो हमें मेस कार्ड दिखाना पड़ता है, फिर वो इसके ऊपर टिक करते हैं, हर मंथ का अलग से बनता है। और अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसको कूपन्स इशू किए जाते हैं, जैसे मेरा कोई फ्रेंड आ रहा है तो मैं उसको कूपन दूंगा, वो मेरे थ्रू आ सकता है, तो किसी बाहर की ऐसे अलाउड नहीं है एंट्री, है ना। तो ये भैया हमेशा बैठे रहते हैं यहाँ पे चौकन्ने होकर और देखते रहते हैं सारी चीज़। और अंदर बहुत अच्छी कैंटीन भी बनाई हुई है जो खुलती है 24 घंटे खुलती है, और मैस तो है ही बहुत अच्छी। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जल्दी से। मैस में फिर से ज़्यादा भीड़ है, तो सबसे पहले मैं आपको रूम का व्यू दे देता हूँ, एक रूम में चलते हैं मेरे, और रूम में दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ गिवन है इस हॉस्टल में। ये है लिफ्ट, और ये है स्नेहल। क्या चल रहा है? से बचने के लिए यहाँ पे दिए फायर एक्सटिंग्विशर। तो लिफ्ट आने वाली है, फिर चलते हैं अपने रूम में। ये IIT दिल्ली का बेस्ट हॉस्टल सप्तागिरी, बीच में वो बंद हो जाएगा। क्या बंद हो जाएगा? लिफ्ट के अंदर जाएंगे तो चलेगा नहीं ना, ये तो कैमरा है ना, लेकिन और कैमरेज लगे हुए, और अगर कोई लिफ्ट में फंस गया तो उधर से आवाज आती है उस लेफ्ट साइड से।
और ये मेरी फ्रेंड है स्नेहल, शी इज इन एमटेक। ये है सेकंड फ्लोर और फिर से यहाँ पे प्रॉपर सीसीटीवी कैमरास और कपड़े सुखाने के लिए भी दिया और वॉशरूम्स है। वॉशरूम दिखा देता हूँ आपको, ये लाइट ऑटोमेटिक है, मैं दूर जाऊँगा लाइट बंद हो जाएगी, हुई नहीं अभी तक वैसे। ये मेरा फ्रेंड है शुभम, ये शुभम इज फ्रॉम महाराष्ट्र, ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट। तो ये है वॉशरूम और वॉशरूम्स वगैरह है, ये शीशा है, क्लीनिंग होती है और ये खुद से फिल कर लेते हैं जो हैंड वॉश है, तो ये खुद से फिल करते हैं और प्रॉपर एग्जॉस्ट फैन है। बाकी मैं चीज़ें तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, तो और फिर से ये फायर से बचने के लिए प्रॉपर सिस्टम है और यहाँ ये दिखाई चुका हूँ मैं पहले आपको। और तो मेरा रूम आ चुका है और मैं अपना रूम दिखा देता हूँ आपको, रूम कैसा है मेरा, क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पर प्रॉपर लगे हैं ऊपर वाईफाई के सिस्टम्स, साइंस एग्जिट साइन, और चाबी खोल के रूम के अंदर चलते हैं कि रूम कैसा दिखता है। तो ये है मेरा छोटा सा रूम और लाइट जला देते हैं। यहाँ पे दी हुई इन्होंने दो लाइट्स और ऊपर ये है एसी, यहाँ से एसी ऑन कर देता हूँ और यहाँ से ये एसी वाला डेक पे। और ये है छोटा सा रूम, ये इन्होंने पहले से लगाया हुआ है तो मैंने इसके ऊपर अपनी बुक्स रख दी है। और ये टेबल इन्हीं की प्रोवाइडेड है, ये टेबल इन्होंने दी हुई है और ये चेयर भी उन्होंने दी है। तो ये मेरा सामान रखा है और अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले ही इस मिरर को इंस्टॉल किया है तो इसकी वजह से रूम बहुत अच्छा लग रहा है, छोटा सा रूम है। और इन्होंने कर्टेंस वगैरह के लिए रॉड लगाई और इसके बाहर भी अब ये तेल गिर गया मेरे घर की आया हुआ, घर से लाया था। और यहाँ से व्यू ऐसा है और ये जो शीशा है इसके बाहर भी रोड्स लगाने वाले हैं, वो चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी बनी रहे। तो और इन्होंने टांगने के लिए हुक्स भी लगाए हुए अपने ही, और शीशा है, सारी चीज़ है। और आपको ये भी यहाँ पे दो प्लगइन हैं और यहाँ पे यूएसबी वाला प्लगइन भी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो यहाँ पे रेड लाइट जल जाती है। और ये वाली चीज़ भी है, ये पता नहीं क्या है। और यहाँ पे फिर से दो प्लगइन्स हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो काफ़ी अच्छा रूम है और फ़ैन भी है। और ये जो फ़ैन है ये भी वैसा फ़ैन है, ये भी रिमोट के थ्रू चलता है। तो जैसे अगर फ़ैन ऑफ करना है फ़ैन ऑफ हो जाएगा, तो और फ़ैन ऑन करना है तो दिस विल बी थ्रू द रिमोट। तो हाँ, मैं तो फ़ैन ऑन कर देता हूँ, फिर रात को अगर ठंड लगती है तो फ़ैन ऑफ कर देता हूँ। रिमोट साथ में ही रहता है हमेशा, तो विद दिस रिमोट वी कैन मैनेज आवर फैन। तो अब नीचे चलते हैं मेस में, हो सकता है वहाँ पे थोड़ी भीड़ कम हो गई हो, तो मेस में चलते हैं। इस बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स है, ग्राउंड फ्लोर पे कोई नहीं रहता नहीं है, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पे लड़के रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे लड़कियाँ और लड़के रहते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ पे सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। तो ऐसा डिवीजन है फ्लोर्स का। और लाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, बस यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इनका जो सीमेंट है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो अगर जैसे हम खुद से हुक लगाने की कोशिश करते तो कभी कभी सीमेंट निकल जाता दीवार से, तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ नहीं किया है, जो कि हर जगह पे ऐसे ही होता है। जो मेन पैसे लगते हैं वो लगते हैं नींव के ऊपर, नींव मजबूत होनी चाहिए। तो ये OAT है फिर से और ये मेस वाला एरिया है। यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर सजा देते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पे सारी फंक्शंस वगैरह होते हैं IIT के, IIT इसके सप्तगिरी होस्टल या फिर द्रोणागिरी के लिए, ये कॉमन एरिया है द्रोणागिरी के लिए और सप्तगिरी।
सो फाइनली गाइस सभी लोग जा चुके और मैं आ चुका मैस के अंदर, बहुत ही सुंदर मैस है। सबसे पहले मैं कह रही थी कि पोर्टेबल एसी लगे हुए हैं और हर मैस में दो या चार एसी है। पहले ही ऊपर वाले एसी हैं वो काम नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे पोर्टेबल एसी इंस्टॉल किए गए थे। और इस सब फिर से और दिखा देता हूँ मैं, आप यहाँ पे है टोस्टर, तो एक टोस्टर ये है और एक ये गर्म करने के लिए, और ये भी एक टोस्टर है, और फिर से एक और हमारे पास। तो यहाँ पे शाम के टाइम अभी 6 बज रहे हैं, तो जो इवनिंग टाइम होता है वो 4:30 से 5:30 होता है। तो यहाँ पे कॉर्न स्लो रखा रहता है जिसको ब्रेड में डाल के यहाँ पे फिर गर्म करके खा सकते हैं। और आज चाय थी और नींबू पानी भी था, तो दो चीज़ें मिली प्लस ब्रेड यहाँ पे हमेशा रखी रहती है। ब्रेड में हम जैम यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉर्न स्लो यूज़ कर सकते हैं। और किसी बच्चों को, कोई बच्चे अचार वगैरह लाता है या फिर उनका कुछ पीनट बटर वगैरह सामान है वो सब वो नीचे रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे माइक्रोवेव भी रखा हुआ है नीचे, ये नीचे माइक्रोवेव है वर्लपूल का। तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी सुंदर अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे 350 के आसपास सीटिंग कैपेसिटी है। और ये हमारा प्रॉपर खाने का है, यहाँ पे प्लेट रखी रहती है, यहाँ से हम प्लेट्स लेते हैं। और फिर यहाँ पे पूरा यहाँ पे सलाद वगैरह और चम्मच, यहाँ पे सारी चीज़ें सब्जी वगैरह, ये ठंडा करने के लिए है। यहाँ पे ये चीज़ें ठंडी है, यहाँ पे प्याज रखी है, यहाँ पे खाना गर्म रहता है, यहाँ पे हीटर है। ये हमारे मेहनती लोग हैं भाई लोग जो मेहनत करते हैं रात दिन। और ये चीज़ है, फिर से सेम चीज़ रिपीट होती है, तो क्योंकि भीड़ होती है सेम चीज़ यहाँ होती है। सलाद वगैरह वो खाने जो अलग से, कोल्ड जो ठंडी चीज़ रखते हैं ये चीज़, ये भी कोल्ड है बिल्कुल। और तो ये दो हिस्सों में फिर जो भीड़ है वो डिवाइड हो जाती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे प्लेट्स रखी रहती है, दूध रखा रहता है, जैसे यहाँ पे चम्मच रखी है, और वहाँ पे फ्रिज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सब कुछ। और तो मेन्यू वगैरह भी लगा हुआ है, और एक दिन मैं मेस का भी पूरा ब्लॉग बनाऊँगा कि खाने में क्या क्या मिलता है। खाने में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारी मेस है, और एक्चुअली ये द्रोणागिरी की मेस है, सप्तगिरी की मेस ऊपर है जो बंद है, मैंने बताया आपको। तो और यहाँ पर अभी बहुत अच्छी कैंटीन खुल गई है, ये है क्वेस वालों की है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाई है सारी चीज़ें। तो ये एग एंड सैंडविच फैक्ट्री इसका नाम रखा गया है, और ये भैया है सारी चीज़ें बनाते हैं। और थोड़ा सा महंगा है बच्चों के लिए, यहाँ पे ये रेट्स हैं इनके। खाने के लिए और ये वाली फैसिलिटी है, अगर कोई बनाना चाहता है यहाँ पे कोई कुछ चीज़ अपनी, तो सारी चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, कुछ बनाना चाहता है अगर कोई, तो मतलब यहाँ पे ना सारी फैसिलिटीज़ दी हुई है। जो आईआईटी के बाकी खाने की जगह है वो थोड़ी सस्ती है, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा लगा है, तो ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे जो वाइट सॉस पास्ता है वो 140 रुपये का मिलता है, अगर हम बाहर की साइड जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सब्सिडाइज रेट पे हमें सारी चीज़ें मिलती है खाने को। जैसे वाइट सॉस पास्ता है वो 50-60 रुपये का मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये हमारी प्यारी मेस, छोटी सी मेस, और जो बहुत ही सुंदर बनाई है। और लाइट्स देखो आप कितनी अच्छी लाइट्स हैं यहाँ पे, और पर्दे भी लगाए इन्होंने, पर्दे को नीचे कर लेते हम जैसे धूप के टाइम, तो पर्दे नीचे हो सकते हैं। हो सकता है थोड़ा शोर आ रहा हो, क्योंकि मेरे पास माइक्रोफोन नहीं है अभी, मैं माइक्रोफोन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो शोर आ रहा है। जैसे बच्चा खाना खा लेते तो वो अपनी प्लेट्स इसमें रखते, प्लेट्स और चम्मच इसमें डाल देते लाल वाली बाल्टी में, ये रखने के लिए, ताकि आराम से उनकी सफाई की जा सके। तो ये मैसे और ये बच्चों के सारे नीचे सामान रखे हुए, अचार वगैरह और बाकी सब चीज़। कोई जैसे हम आते तो हैंड वॉशिंग एरिया है, यहाँ से हमेशा फिल्ड मिलते हैं, और यहाँ पर ये पानी पीने के लिए है, तो यहाँ पे हम हाथ नहीं धो सकते, ये पानी पीने का वाला है। और सारी चीज़ें दिखा दी मैंने आपको लगभग,
और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ। तो ये है, और बाकी मैं फिर से रिसेप्शन पे आ गया हूँ एक बार फिर से, जहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया था वहीं से वहीं पर एंड करेंगे। यहाँ पे बच्चे साइकिल खड़ी कर देते, और तो साइकिल्स ली हुई है बच्चों ने, यहाँ पे बाइक या कार अलाउड नहीं है। तो ये है, यहाँ पे लोग बैठे रहते जब स्टार्टिंग का टाइम था तो काफ़ी भीड़ होती थी, काफ़ी बच्चे बैठते थे, लेकिन अब ज़्यादा नहीं बैठते, धीरे धीरे क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। और आगे घास है जहाँ से स्टार्ट किया था व्लॉग। तो मैंने लगभग ऑलमोस्ट सभी चीज़ें दिखा दी है आपको, अपना रूम दिखाया, मेस दिखा दी, स्पोर्ट्स रूम दिखा दिया, रिसेप्शन दिखाया, स्टडी रूम दिखाया, और अगर कुछ मिस होता है तो मैं इसके ऊपर दूसरी वीडियो बना लूँगा, वैसे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा जो मिस हुआ है, और एक बार मेस के ऊपर ही बनाऊंगा, और अपने ऐसे ही व्लॉग्स चलते रहेंगे। तो व्लॉग को एंड करते हैं, बाय।